गरीब मजदूर और किसान को समर्पित है यह बजट। सरकार ने 91,277 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सामाजिक प्रक्षेत्र पर सबसे अधिक बल, कोई नया टैक्स नहीं। मनरेगा मजदूरी 31 रुपए बढ़ाई। किसानों के ऋण माफी के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान। नमस्कार, आजाद सिपाही के बजट स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल सिंह। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा में बुधवार को 91,277 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें राजस्व व्यय 75,755.01 करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए 15,521.99 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में गांव, गरीब, किसान, रोजगार पर बल दिया गया है। सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 30,917 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 26,734.05 करोड़ और आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 30,917.23 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विपक्ष के शोर शराबे के बीच बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने लगभग 1.25 घंटे बजट अभिभाषण दिया। उरांव ने कहा कि सरकार पहली बार 11 विभागों का आउटकम बजट पेश कर रही है। सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का है। ये तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था में व्यय करने के अवसर नित्य निर्मित हों। हमारे बजटीय प्रावधान सतत विकास लक्ष्य से प्रभावित है, जिससे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सफलता मिलेगी। मनरेगा मजदूरी 225 रुपए होगा। राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष से मनरेगा मजदूरी 225 रुपए करेगी। बजट में कहा गया है कि मनरेगा योजना के तहत 1150 लाख मानव दिवस सृजन किया गया है। वर्तमान में 417,875 योजनाओं को पूरा किया गया, जबकि 884,270 योजनाओं पर काम चल रहा है। केंद्र सरकार से 194 रुपए मनरेगा मजदूरी मिलती है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से इसमें 31 रुपए की बढ़ोतरी करेगी। मनरेगा के तहत 225 रुपए मजदूरी भुगतान किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए अतिरिक्त 331 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। किसानों का ऋण होगा माफ। सरकार ने किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना शुरू की है। इस योजना का शुभारंभ 1 फरवरी 2021 को जामताड़ा से किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि बीते वर्ष 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। बजट में कृषि ऋण माफी के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गुरुजी किचन योजना होगी शुरू। बजट में गरीबों, बेरोजगारों, महिलाओं और छात्रों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गरीबों के लिए दाल भात केंद्र की तर्ज पर अगले वित्तीय वर्ष से गुरुजी किचन योजना शुरू की जा रही है। योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में दाल भात केंद्र के अलावा अतिरिक्त गुरुजी किचन केंद्र खोले जाएंगे। यहां भी 5 रुपए में गरीबों को भोजन मिलेगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 40% ऋण या अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। स्वास्थ्य व शिक्षा पर भी नजर। सरकार ने बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया है। राज्य में 4,496 स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना है। 500 प्राथमिक स्कूलों को प्रेरक गुणवत्ता शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार ने कई योजनाओं पर बजट का प्रावधान किया है। राज्य में 250 जन औषधि केंद्र खोलने की MOU किए गए हैं। प्रमंडलीय स्तर तक डॉक्टर और मशीन उपकरण मुहैया कराने की योजना है। अभी तक के बजट स्पेशल में बस इतना ही। बजट से जुड़ी और भी जानकारी के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। नमस्कार।